brought to you by Hire. तिरंगे के सामने खड़े होकर 21 बार सलामी देनी होगी, भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। यह आदेश है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। कोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले एक आरोपी को जमानत देने के लिए ये शर्त रखी है। हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार पारिवाल की बेंच ने आदेश दिया कि जब तक केस की सुनवाई चलेगी तब तक उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को भोपाल के मिसरोद थाने में जाकर थाने की बिल्डिंग में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी, यानी महीने में 2 दिन। इस आदेश के बाद कोर्ट ने आरोपी फैजल खान और फैजान को 50,000 रुपये के बॉन्ड के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने भोपाल पुलिस आयुक्त को जमानत के लिए इन सभी शर्तों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है। फैजल मिसरोद इलाका जो भोपाल में पड़ता है वहाँ पर उनकी एक पंचर की दुकान है। 17 मई 2024 की बात है। इस दिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए एक वीडियो उनका वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने पर बजरंग दल के पदाधिकारी उसकी दुकान पर पहुंच गए, फैजल को थाने ले गए, शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फैजल ने हाईकोर्ट में जमानत की मांग करते हुए दावा किया था कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि सुनवाई के दौरान उसके वकील ने स्वीकार किया कि क्लाइंट को देश विरोधी नारे लगाते हुए देखा गया था, इसलिए वकील ने अनुरोध किया कि उससे कुछ सख्त शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। उधर सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया, कहा कि वो आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वकील ने कहा कि वीडियो में उसे खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगाते देखा जा सकता है जहां वो पैदा हुआ, पला बढ़ा। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि यदि आरोपी भारत में संतुष्ट नहीं है तो अपनी पसंद के देश में रहने का विकल्प चुन सकता है, जिसके लिए उसने जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील हाशिम खान ने कहा कि हाईकोर्ट में बहस के दौरान पेनड्राइव के वीडियो में आरोपी नारे लगाते दिखा है, आदेश बिल्कुल उचित है, कुछ लोग बहकावे और नशे में ऐसा बोलते हैं, ऐसा ऑर्डर जब कोर्ट देती है तो इसका प्रभाव जनता और अपराधियों पर पड़ता है। इस पूरी घटना पर कोर्ट के इस आदेश पर आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये थी खबर। अब एक जरूरी जानकारी लल्लन टॉप से जुड़ी हुई। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार पटना और तारीख होगी 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, आईएएस अफसर और एंटरप्रेन्योर। लेकिन लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतज़ाम है। आपको नहीं करनी है मेहनत, ना देना है कोई छद्म, बस dlondontop.com पर जाना है, एक बैनर वहाँ मिलेगा उस पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर हम होंगे, आप होंगे और अड्डे के भरपूर मज़े होंगे। आना नहीं भूलना है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। लल्लन टॉप अड्डे में आपसे मुलाकात होगी। ये जो खबर अभी हमने आपको बताई, ये खबर लिखी है रक्षा और प्रशांत ने, कैमरे के पीछे है मयंक। देखते रहिए लल्लन टॉप।